हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज 7th of July 2020 और आज हम माउंट आबू में एक वैक्स म्यूज़ियम है, सेलिब्रिटी वैक्स म्यूज़ियम करके, जो आचलगढ़ के थोड़ा ही ऊपर है। मतलब मान सकते आपकी आचलगढ़ जो क्रॉस है वहाँ से कुछ 100-200 meters होगा, वहाँ पे है ये सेलिब्रिटी वैक्स म्यूज़ियम। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से वैक्स स्टैचूज लगा रखे, कौन से कौन से सेलिब्रिटीज़ के एंट्रेंस है अंदर वैक्स म्यूज़ियम की। तो देखिए आप यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में हुई है और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स अमित शाह, आरपीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड देन वी हैव द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिया ने जो ग्रेटेस्ट पीएम दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। एंड इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बच्चों के बहुत प्यारे जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। लिंकन का स्टैचू जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिका के सिटीजन थे, इंडिपेंडेंट अमेरिका में इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। और यहाँ पे अन्ना हजारे जी और महात्मा गांधी जी का साथ में स्कल्पचर वैक्स म्यूजियम में। अन्ना हजारे जी को जानते ही होंगे, जो जब उन्होंने लोकपाल बिल के लिए दिल्ली में आंदोलन किया था और कई टाइम तक अनशन पर रहे थे, भूख अनशन पर रहे थे जहाँ उन्होंने पानी तक कंज्यूम नहीं किया था। और महात्मा गांधी तो जानते ही है, जिन्होंने नॉन वायलेंस को फॉलो करके हुए इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाया था। द ग्रेट भगत सिंह की जितने बात बताओ बहुत कम है, क्योंकि भगत सिंह ने बहुत कुछ इंडिया के लिए किया था। ब्रिटिशर्स को बहुत कुछ पेन दिया था इन्होंने। अगर आप देखें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके बॉम्ब फोड़ना और वहीं से बॉम्ब कैसे बनाते हैं वो निकालना, तो ये थे भगत सिंह जी। इन्होंने इंडिया को बहुत बहुत कुछ दिया है फ्रीडम फाइट के टाइम पे। मदर टेरेसा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो इंडिया जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडियाज आयरन मैन, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं और इंडिपेंडेंट इंडिया में के मूवमेंट में जब इंडिया को फ्रीडम चाहिए था, फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं ये, प्लस कांग्रेस के लीडर है। और गुजरात में इनका भी हाल फिलहाल ही मोदी सरकार ने बहुत बड़ा स्टैचू लगाया है मेक इन इंडिया के तौर पे। एंड दैट्स माइकल जैक्सन, एंजेला जॉली, और ये हमारे जो हमारा बचपन था वो इन दोनों आर्टिस्ट के साथ पूरा निकला है, मिस्टर बीन और चार्ली चैपलिन। मिस्टर बीन तो बहुत लोगों ने देखा होगा और चार्ली चैपलिन की भी बहुत सारी टीवी सीरीज वगैरह देखी है, मिस्टर बीन की भी देखी है। दिस मैन, ये जो मिस्टर बीन हैं जो ओरिजिनल लाइफ में, इनको कई हॉलीवुड मूवीज़ ने रिजेक्ट किया और इन्होंने खुद की ही टीवी सीरीज निकाली है मिस्टर बीन, और वहीं से ये हिट बन गए। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, अगर आपने मूवी देखी है तो आप जानते होंगे इन्हें, जॉनी डेप, जैकी चैन, जो बहुत ही अच्छे और सीनियर लेवल के कुंग-फू आर्टिस्ट हैं। मुझे कोट मत लेना इस बात पे, पर ज़रूर अभी तक के वर्ल्ड में बेस्ट कुंग-फू आर्टिस्ट होंगे। बहुत सारी अच्छी मूवीज़ भी करते हैं और इनका एक्शन रियल होता है। कोई भी डब हैरी पॉटर, हमारा बचपन इनकी जो मूवीज़ थी वो देख के पूरी निकली है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा था, जो हम एंड हु कैन फॉरगेट दिस मैन, एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने कदमों में गिरा दिया था। एडोल्फ हिटलर ने एक बार कहा था कि जो गोरखा राइफल्स है, अगर आप देखोगे इंडियन नामी में गोरखा राइफल्स है, तो इन्होंने कहा था मुझे सिर्फ गोरखा राइफल्स दे दो और मैं आपको पूरे वर्ल्ड पे कॉन्कर कर दिखाऊंगा। इन्होंने जर्मनी को ग्राउंड लेवल पे, जब वो गिर चुका था, जब कॉलोनियल रूल में वो उसको पूरा बर्बाद कर दिया था, तब इन्होंने जर्मनी को वापस से खड़ा किया था और
जर्मनी की जो इमेज और हाथ थे वो वापस लाके दिए थे। मोहम्मद रफ़ी, इनको कौन भूल सकता है, क्योंकि हमारे जो मेरे डैड है, मेरे ग्रैंडफादर और मेरे जितने भी सीना हमारे एंसेस्टर्स है, वो इन्हीं के गाने सुन सुन के बड़े हुए। मोहम्मद रफ़ी, जो इनका जो आवाज़ था, इनका जो बोलने का गाने का जो तरीका था मोहम्मद रफ़ी जी का, वो बहुत ही अनोखा था। यहाँ से ऊपर जाते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, प्रतिभा पाटिल से पहले इनका टर्म था। अलेक्जेंडर ग्राम बेल, जिन्होंने टेलीफोन जो हम जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं वो इनकी देन है, इन्होंने उस चीज़ को इन्वेंट किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन, और ये है थॉमस एडिसन। मिस्टर कूल, आपने देखते पहचान गए होंगे मिस्टर कूल, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, एक छोटा बच्चा जो रांची से आया और उन्होंने ड्रीम देखे बड़े, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, बड़े बड़े क्रिकेटर्स कैप्टन्स नहीं कर पाए, वो इन्होंने करके दिखाया। सारे की सारी ICC ट्रॉफी इन्होंने जीत के दिखाई, इंडिया को दिए, वेदर इट इज़ T20 वर्ल्ड कप, 50-50 वर्ल्ड कप या चैम्पियंस ट्रॉफी, इन्होंने तीनों जीती है। जो T20 वर्ल्ड कप जो 2007 में हुआ था उसका फर्स्ट एडिशन था वो, और वो इंडिया ने जीता था, इंडिया की यंग टीम ने जीता था, जहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस लेने नहीं था, सारे के सारे यंग प्लेयर्स थे। MS धोनी की क्या ही बात करें, जो जिस तरह से ये कूल पन से अपना जो टेम्परमेंट रख के डिसीजंस लेते हैं ग्राउंड में, लाजवाब है वो। सचिन तेंदुलकर का, द गॉड ऑफ क्रिकेट का अभी पता नहीं वैक्स स्टैचू नहीं है यहाँ पे, बट सचिन इज वॉज अ ग्रेट मैन। 1989 में जब एक छोटा बच्चा 16 साल की उम्र में बच्चा पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को जब फेस करता है तो बहुत एक अच्छा होता है, और उनको ही कवर ड्राइव पे चौका मारने का, प्लस उस बॉल से पहले उनकी नाक पे वो बॉल लगी थी, वसीम अकरम, जो उस टाइम के जो पेस अटैक था पाकिस्तान का, वसीम अकरम, इमरान खान, बहुत मतलब इन स्विंग भी कर रहे हैं वो, आउट स्विंग भी करते हैं। श्री रवि शंकर, बाबा रामदेव, पतंजलि ओनर, स्वामी विवेकानंद, ये सब जो गाइस, ये पूरा ऐसे बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये जो यहाँ से एग्जिट है, हम उस गेट से आए थे और वहाँ से होते हुए यहाँ पर आए। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल ब्लॉग रखा मैंने इस ब्लॉग में, मुझे आपको इस वैक्स म्यूजियम का टूर कराना था। तो अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और लाइक बटन ज़रूर दबा के जाना। तो टिल दैट टाइम, गुड बाय गाइज, सबा खैर।